जी हाँ, आप देख रहे हैं रोहिलॉगी। और मैं आपको आज ये बता दूं कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र बैठे हैं धरना पर। इसका मुख्य कारण है कि आखिर कब तक आएगी जेएसएससी टेक्निकल 2019 की नोटिफिकेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, जेएसएससी नॉन टेक्निकल 2019 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र धैर्य पूर्वक इस इंतजार में थे कि जेएसएससी टेक्निकल 2019 की नोटिफिकेशन जस्ट उसके बाद ही आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो कहाँ है झारखंड सरकार? तो क्या कर रही है झारखंड सरकार? पिछले 35 वर्षों से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्र बेरोजगार बैठे हैं। आइए मैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूं। देखिए क्या है मामला। सबसे पहले आप ये जानिए कि झारखंड में कृषि स्नातक छात्र हैं कितने। हर साल 100 से 150 छात्र बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से यूजी, पीजी एवं पीएचडी की डिग्री लेते हैं, वो भी कृषि में। झारखंड कृषि प्रधान राज्य है, जैसा कि आप जानते हैं, और झारखंड के कृषि को ऊपर ले जाने के लिए झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1981 में। तब से छात्र अभी तक स्नातक और पीजी और पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं कृषि के खास सब्जेक्ट में। उसके बाद हर छात्र को यह उम्मीद है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को, कि उन्हें झारखंड सरकार रोजगार देगी और झारखंड के कृषि को आगे बढ़ाने में उनको योगदान करने का संपूर्ण अवसर मिलेगा। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। आप देखिए कि तब से अभी तक 600 से 700 छात्र बेरोजगार पड़े हैं, जबकि झारखंड की कृषि विभाग में बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। और अगर झारखंड का डाटा देखा जाए तो 1200 से 1300 कृषि विभाग के पद रिक्त हैं। और इसकी तुलना अगर बिहार से की जाए, जहां पे लगातार कृषि स्नातक छात्रों के लिए रिक्रूटमेंट पर रिक्रूटमेंट आ रहा है, वहां के कोई भी कृषि छात्र को अगर आप देखेंगे तो उनके पास 2 या 3 नौकरी का ऑप्शन हमेशा उनके पास रहता है, वो भी उनके ही राज्य में। पर हमारे झारखंड में देखिए, कृषि स्नातक के छात्रों के लिए कोई भी रोजगार नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या झारखंड में कृषि का कोई विकास नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, मगर झारखंड सरकार ध्यान दी तो। रघुवर सरकार को कृषि स्नातक के छात्रों पर कोई भी ध्यान नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि कृषि स्नातक के छात्र कहीं पर झारखंड में कृषि को आगे बढ़ाने में योगदान दें। क्या ऐसा है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इस आग को आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि यह आग रुकेगा नहीं, यह आग थमेगा नहीं, क्योंकि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र जाग चुके हैं। उन्हें अब नौकरी चाहिए, उन्हें अपना हक चाहिए। वो क्यों धरना पर बैठे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर? उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि झारखंड सरकार उनके लिए कुछ नहीं सोच रही है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि झारखंड सरकार वास्तव में ही कुछ नहीं सोच रही है उनको उनके लिए, और बहुत ही चिंतित है लोग। ये आग थमने वाली नहीं है। देखिए 2015 में जेएससी सीजीएल ने टेक्निकल पोस्ट की नोटिफिकेशन निकाली थी। उसके बाद झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र और झारखंड के जो भी कृषि स्नातक के छात्र हैं, उनको एक उम्मीद मिला था कि अब हमें झारखंड सरकार रोजगार देगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। किसी अज्ञात कारणों के कारण केस कर दिया गया और केस होने के कारण एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। फिर भी झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र धैर्यपूर्वक इस बात का इंतजार करते रहे कि आज न कल जेएसएससी निकालेगी टेक्निकल वालों के लिए नोटिफिकेशन। पर नोटिफिकेशन निकाली जरूर है, मगर नॉन टेक्निकल वालों के लिए। तो क्या होगा उन छात्रों का जो 4 साल लगाते हैं डिग्री को लेने के लिए? यह कृषि के जो छात्र हैं, क्या ये बेरोजगार रहेंगे? तो ये बात हमें झारखंड सरकार तक पहुंचानी है। देखिए झारखंड सरकार को यह जानना बहुत जरूरी होगा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र और झारखंड के जो भी कृषि स्नातक के छात्र हैं, वे सब बेसब्री से झारखंड की सेवा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पर हमें यह आग उन तक पहुंचाना होगा। ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, यह आंदोलन थमना नहीं चाहिए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र रुकेंगे नहीं, उनमें बहुत ही शक्ति है और वे बहुत पेशेंस के साथ, वह बहुत हिम्मत के साथ इतने साल इंतजार किए कि कल ना कल झारखंड सरकार उनकी ओर सोचेगी। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। जेएसएससी सीजीएल
नॉन टेक्निकल की नोटिफिकेशन 18 सितंबर को आई थी, परंतु छात्र जो हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के, उन्होंने कोई भी आपत्ति नहीं जताया। उन्हें उम्मीद थी कि टेक्निकल का पोस्ट जल्द ही आ जाएगा, परंतु इतना इंतजार करने के बाद भी टेक्निकल की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, तो यह आग बिल्कुल आगे बढ़ेगा और मैं आशा करता हूँ कि यह आग आगे तक जाएगी और सरकार के कान तक पहुँचेगी, क्योंकि सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि हमारे ही राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और कई विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए छात्र बेसब्री से झारखंड सरकार की कृषि को आगे ले जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि इस आग को आगे बढ़ाने में आपकी और भी सहायता कर सकता हूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं आपकी और किस प्रकार मदद कर सकता हूं। यह बात बिल्कुल झारखंड सरकार तक जानी ही चाहिए। और देखिए, आप ज़्यादा स्ट्रांग है बाकी अदर स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में, क्योंकि हम 4 साल लगाते हैं, ये 4 साल की डिग्री है, 4 साल में हम स्नातक की डिग्री ले पाते हैं और 4 साल के बाद हम कोशिश करते हैं कि अपने सरकार का, अपने राज्य का कृषि जो है उसको ऊंचे स्तर तक ले जा सके, परंतु हमारी सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है, जिसके लिए हम लोग असमर्थ हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यह आंदोलन आगे तक रहेगा। जय हिंद, जय